हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र सात नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के आठवीं अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ईस्टर्न कोस्ट पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण मानव के रूप में जन्मे थे, इसीलिए वे भी कालचक्र से बंधे थे। उनके भी शरीर का अंत होना था। महाभारत युद्ध के काफी समय बाद वे वन में नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जारा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवे को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पैर पे घुस गया है, तो उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये पहले से ही तय था कि उनकी मृत्यु जारा के हाथों ही होगी। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा ले ली। बताया जाता है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने उनके पूरे शरीर को जला दिया, लेकिन उनका पवित्र हृदय नहीं जल पाया, वो धड़क रहा था। तब पांडवों ने उनके हृदय को एक लकड़ी पे रखकर समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वो उड़ीसा के महानदी तट पर पहुंच गया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदुम्न, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि जीवन में एक बार भगवान विष्णु की दर्शन हो, एक दिन उनकी सपने में आकर भगवान विष्णु ने कहा कि इस जीवन में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे पाया, लेकिन तुम समुद्र में जाकर डुबकी लगाओ और उस पानी में तुम्हें एक लकड़ी में मैं मिलूंगा। उस लकड़ी को बाहर लाओ और उसे तीन मूर्तियां बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकोगे। और इस सपने को देखकर सपने को पूरा करने के लिए राजा इंद्रदुम्न ने समुद्र तट पर डुबकी लगाने पहुंच गया। फिर थोड़ी ही देर में राजा को वो लकड़ी का टुकड़ा मिला और वो इसको महल में लेकर आया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर इस लकड़ी से नील माधव का मूर्ति नहीं बना सका। फिर कई दिन बीत गए और राजा बहुत चिंतित हो गए। इस समय महल में एक कारीगर आया, उन्होंने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बहुत खुश हुए और राजा ने कारीगर से उनकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था। तो कारीगर ने कहा, ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरा 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इन 21 दिनों में ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मुझसे कोई मिले और ना ही किसी भी काम में कोई भी मुझे बाधा डाले। अगर 21 दिन से पहले मुझे कोई भी बाधा डाले तो मैं उसी समय अधूरा काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। कारीगर ने दरवाजे को बंद कर दिया और मूर्ति बनाना शुरू किया। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें आना बंद हो गईं। अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रही है और आप ऐसे ही नई नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हो, तो नॉलेज विद सैब को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए बार बार कुछ नया लाती रहूंगी। तो 15 दिनों के बाद जब आवाजें आना बंद हो गई, तब अवंती के रानी को लगा शायद भूख और प्यास से कारीगर की मृत्यु हो गई। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। ये कहा जाता है कि विश्वकर्मा, जिन्हें निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है, कारीगर के रूप में वही थे।
जैसे ही दरवाजा खोला तो राजा ये देखा कि वहाँ कोई कारीगर था ही नहीं, सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनका भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन उनके हाथ और पैर अधूरे थे क्योंकि 21 दिन से पहले इस काम को बाधा डाला गया और ये काम अधूरा रह गया। जब राजा ने इन अधूरी मूर्तियों को देखा तब उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सोचा, उन्होंने गलती कर दी दरवाजा खोल के, काम अधूरा ही रह गया। लेकिन जब राजा उन मूर्तियों के पास जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है। तब उन्हें ये एहसास होता है कि इस जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर श्री कृष्ण जी की हृदय विराजमान है। राजा इंद्रदुम्न ने बड़े धूमधाम से उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा करी जाती है। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है जो अपने भक्तों को सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए जगन्नाथ टेम्पल के मूर्तियां लकड़ी से बनती है। सिर्फ यह नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्तियां स्थापित करी जाती है और भगवान के हृदय को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। जिस दिन ये हृदय बदला जाता है उस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती, पूरे पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और पूरे अंधेरे में इस हृदय को निकाल कर नए मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। इसका मतलब जिन पंडितों ने इस सेरेमनी को करी है उन्होंने कभी भी कुछ नहीं देखा। माना यह जाता है कि अगर किसी ने इस हृदय को देख लिया तो उनकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों में पट्टी लगाए ये सेरेमनी किसी को करने की अनुमति नहीं है। पूरी के लकड़ी की मूर्तियों वाला देश के अनोखा इस मंदिर में ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़े ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है जिसे 2000 साल पहले इंस्टॉल किया गया था और उससे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनका नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है, किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाया जाता है और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथ पुरी की इस मंदिर को दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वो फारसी थी, हिंदू नहीं। उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए उन्हें भी दर्शन करवाने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधर्न को भी इस टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि यह फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट की गई थी लेकिन दर्शन बाहर से ही करवाया गया। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। हम सबको पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग वही डायरेक्शन में चलती है, तो जाहिर सी बात है झंडा भी वही डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की ये झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है, क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया और इस झंडे को रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडू 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज बदलता है क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस टेम्पल के बाहर समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई देती है लेकिन टेम्पल के अंदर कोई आवाज नहीं आती। आज तक इसका कोई रीजन पता नहीं चला। क्या आपको पता है इस टेम्पल के ऊपर कोई भी प्लेन या बर्ड्स नहीं उड़ सकता, ये नो फ्लाई जोन है। प्लेन तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां से उड़ नहीं सकता, लेकिन बर्ड्स, पंछियां तो कहीं भी उड़ सकती है, इसके लिए तो कोई नो फ्लाई जोन नहीं है।
लेकिन इस टेंपल के ऊपर से कोई भी पंछी नहीं उड़ पाता है। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर कोई पंछी बैठता तक नहीं है। बारिश का मौसम हो या कोई भी सीजन हो, जगन्नाथपुरी की इस टेंपल की कोई शैडो कभी भी किसी ने नहीं देखा। इसकी जो मेन डोम है उसकी भी शैडो कभी नहीं दिखी। जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है वो आज तक कभी वेस्ट नहीं हुआ। इस मंदिर में लाखों भक्त हर रोज आते हैं, लेकिन यह प्रसाद के तौर पर जो भोग बनते हैं वो कभी ज्यादा नहीं होते और कभी कम भी नहीं होते। हर एक भक्त को प्रसाद बांटे जाते हैं, पर कभी खाना वेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ का जो प्रसाद बनता है वो कुछ यूनिक स्टाइल में बनता है। 7 क्ले पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है और एक साथ खाना पकने के लिए रखा जाता है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि सबसे ऊपर वाले पॉट का खाना सबसे पहले बनता है। इस मंदिर में और भी कई रहस्य हैं जिसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।